ईशा, ईशा उठ जा, नशा उतर गया हो तो ईशा उठ जा, लेट हो जाएगा। प्रज्ञा को उठाओ, मैं उठी हूँ, वो मेरे से ज्यादा टाइम लेती है रेडी होने में। ये लड़की भी ना, प्रज्ञा प्रज्ञा उठ जा, लेट हो जाएगा, उठ जा जल्दी। कब है सुबह सुबह सर पे नाच रही हो, तुम जाके पहले तैयार हो जाओ, और वैसे भी एक साथ तीन लोग बाथरूम में तो नहीं जा सकते है ना। लेकिन उठ जाना टाइम से वरना लेट हो जाएगा। तुम लोग भी ना बस सोए पड़े रहते हो, बस सोने का काम दे दो इनको, उठ जाना दोनों। ये नहीं कि यहां से चला जाए, इतना मैं बोल रही हूं। पढ़ो क्या लिखा है। वूमेन मतलब ये लड़का और लड़की दोनों के लिए कॉमन है। अब बताओ अनपढ़ कौन है। ये कोएड हॉस्टल है मिस गोलगप्पा, और यहाँ के हर फ्लोर पर कॉमन बाथरूम है, क्योंकि कॉलेज की नजरों में हम सब एडल्ट्स हैं। लेकिन अगर आज भी तुम खुद को बच्चा समझती हो, दैट्स योर प्रॉब्लम। तुम नहाने जाओगी या मैं जाऊं? वैसे तुम चाहो तो हम दोनों साथ में भी नहा सकते हैं। अब हमारी सरकार ही कहती है भाई सेव वाटर सेव वाटर, तो साथ में मिलके काफी पानी बचा है। इट्स ओके मिस गोलगप्पा, तुम यही भूत की तरह खड़ी रहो, मैं चला नहाने। ओके देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। टिफिन दो, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, जल्दी। माँ टिफिन दो ना। हाँ सनी बेटा। माँ टिफिन दो, लेट हो रहा है। हाँ ये ले। आता हूँ माँ। मदर इंडिया, अब मैंने क्या गलत कर दिया, प्लीज बताओ। क्या हुआ बेटा? ये देखो। माफ कर दे बेटा, मुझे लगा मैंने टिफिन भर दिया था। हाँ हाँ, अब आपकी बेटी जो चली गई है, अब तब अपने बेटे को भूखा ही मारोगे ना। आखिरकार कचरे के डब्बे से दूर उठा कर लाए थे मुझे। अरे ओ नौटंकी के महाराज। हाँ? जल्दी से निकलो टिफिन लेकर, स्कूल बस छूट जाएगी। ये ले बेटा। आता हूँ माँ। बाय बेटा। बाय 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 दादी, आता हूँ। हाँ बाय। जया बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। क्यों अपना खून जला रही है? अरे बता क्यों नहीं देती सांची को सच? बताऊंगी माँ जी, सही वक्त आने पर मैं साची को सब कुछ बताऊंगी। ठीक है। अबे ओ, सवेरे से उठी हो, अभी तक नहा नहीं पाई हो। अबे तुमको हो कहाँ गया है? पी तो कल ईशा नहीं थी, नशे में तुम लग रही हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, 9 बजे का लेक्चर है, समझ रही हो ना? क्या
जाना हाले। हाँ तू भी जल्दी आ। हाँ 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 तू जा जल्दी। हाँ Excuse me? अरे मैं यहाँ खड़ी थी पहले से। हद है। अब तो मैं पक्का लेट हो जाऊंगी। समीर की तो मैं। अबे ओ, बकलोल होगा। यहाँ पे कोई लड्डू पेड़ा पड़ रहा है क्या? तब से यहीं डटी पड़ी हो। जल्दी से तैयार नहीं हो सकती क्या? मैं अबे ओ, हड़बड़ाना बंद करो। अब जल्दी से तैयार होके या तो मैं इसमें मिलो या सीधे लेट चलो। डॉक्टर कबीर की क्लास है और बेटा अगर उससे लेट पहुंची ना तो समझो हो गया कांड। जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी मिलो मुझे। हाँ, मैं आ रही हूँ। तो ये थी इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री एंड विजन और मुझे उम्मीद है आप सब अपनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ इसकी इमेज को बरकरार रखेंगे। Yes, अब मैं आप सबको आपके डिपार्टमेंट से अलॉट करूंगा। इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप सब रोटेशन में काम करेंगे ताकि आप सबको समझ आ सके कि आपको अपना MD या MS किस स्ट्रीम में करना है। May I come in, sir? Of course, please come in. यहाँ तो कोई मिड सेशन योगा क्लास चल रहा है ना, जब आपका मन करे आप क्लास के अंदर आ जाए। प्लीज कम इन, आइए। सॉरी सर, वो एक्चुअली डोंट इवन बॉदर। मुझे तुम्हारे हजार बहाने सुनने का कोई शौक नहीं है। तुम जैसी 65% वाली लड़की और कर भी क्या सकती है? सर मैं 65% वाली स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा कितने मार्क्स आए तुम्हारे? 95? नहीं वो आई मीन टू से सर, मैं मुझमें मार्क्स के अलावा भी पैशन है। आई मीन मैं अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपनी ऑनेस्टी से इस हॉस्पिटल की बेस्ट डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। सपना अच्छा है। नहीं मेरा सपना नहीं, मेरी जिद। तो अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो और इतना मेहनत करने का शौक है ना तुम्हें, तो मैं तुम्हें सबसे चैलेंजिंग डिपार्टमेंट दूंगा। इसी चांस का तो वेट कर रही थी मैं।
अब देखिएगा डॉक्टर कबीर, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मुझमें कितनी काबिलियत है। डॉक्टर साची, अब से 24 घंटे के लिए आपकी ड्यूटी रिकॉर्ड रूम में। वहां जाकर आप सारी फाइल्स अपडेट करके टैबुलेट करेंगे और कल मुझे सारी फाइल्स देंगे। सो मैं रिकॉर्ड रूम में कैसे? वो तो चार्टिंग इज द बेसिक जॉब ऑफ अ डॉक्टर, डॉक्टर साजी। अगर आपने ये जॉब ठीक से कर दिया तो कल मैं तुम्हें एक्चुअल डिपार्टमेंट अलॉट कर दूंगा। एनी क्वेश्चंस? तो आप सबके डिपार्टमेंट्स ये होंगे। भैया वो मैंने पता कर लिया है। सॉरी आदर्श, क्या कह रहे थे तुम? जया मिश्रा का पता पुराने रिकॉर्ड्स में था और उसकी फैमिली के बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन जल्दी दूंगा भैया। फैंटास्टिक, इट्स गुड, ग्रेट जॉब आदर्श, थैंक्स। संकेत, सीरियसली कितनी बोरिंग पार्टी थी, तुम नहीं थे ना मुझे एंटरटेन करने के। संकेत, वो दिन कब आएगा जब हम दोनों मिलकर मल्होत्रा हाउस की पार्टी अटेंड करेंगे? बहुत जल्दी आएगा प्रिया, बस एक बार मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सेट हो जाए और तुम्हारी LLM कंप्लीट हो जाए, फिर तुम्हारे डैड से बात करेंगे। पर उसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम इतना वेट क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम्हारे डैड को जो अपने दामाद से एक्सपेक्टेशन है मैं उन्हें पूरा कर सकूँ। पर वो तो तुम अभी भी कर सकते हो, उसके लिए इतना वेट करने की क्या जरूरत है? यार राइट प्रिया, प्रिया अगर मैं कुछ भी ना करूँ ना तब भी तुम्हारे लिए तो मैं परफेक्ट ही रहूंगा, है ना? एग्जैक्टली। अच्छा सुनो, बहुत हो गया मजा, अब मुझे लगता है कि तुम्हें ना पापा से बात कर लेनी चाहिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। और हाँ, अपने ना दिमाग से बात निकाल दो कि तुम मल्होत्रास के दामाद बनने के लायक नहीं हो, ठीक है? तुम जैसे भी हो मेरी फैमिली के लिए बेस्ट हो। ओके, पॉइंट नोटेड। अच्छा अब ये सब छोड़ो, तुम गाड़ी चलाने में ध्यान दो, ओके? बाद में बात करते हैं। ओके प्रिया, बाय बाय। बाय। एक्सक्यूज मी, बस है ना, भीगी बिल्ली बन जाओ, हर वक्त हर किसी पे पगलाने की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं। हाँ यार साची, और तुझे क्या जरूरत थी डॉक्टर कबीर के साथ आर्ग्यू करने की? तू क्यों बार बार भूल जाती है कि तू यहाँ पे फेक आइडेंटिटी पे है? अगर तुमने डॉक्टर कबीर को इम्प्रेस कर दिया,
सबसे ही हो जाएगा। डॉक्टर कबीर को मुझे अपने काम से इम्प्रेस करना ही होगा। हाँ सही कहा तुमने। वैसे डॉक्टर कबीर जितने खड़ूस दिखते हैं उससे तो मुझे लग रहा है कि उन्हें इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। पर माँ का सपना पूरा करने के लिए शायद मुझे ये करना ही होगा। किससे बात कर रही थी प्रिया? मॉमी कहीं प्रिया का अफेयर वगैरह तो नहीं चल रहा है? अगर ऐसा हो गया ना मेरे तो पूरे प्लान पर पानी पड़ जाए। आनंद बहुत इंप्रेस हो गए हैं मिस्टर चावला से और वो खुद रिश्ते की बात आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड निकल आया ना तो कौन हो सकता है इस लड़की का बॉयफ्रेंड? कह रही थी वो कि तुम भले ही हमारे खानदान के काबिल ना हो, मींस जरूर वो किसी भूखे नंगे गरीब परिवार का है। और क्या कह रही थी? तुम गाड़ी चलाओ हैं? गरीब और गाड़ी, माय गॉड, ओह माय गॉड, प्रिया का चक्कर किसी ड्राइवर के साथ तो नहीं है? मॉमी प्लीज, जब क्या कह रही है? प्रिया किसी ड्राइवर के साथ अफेयर क्यों करेगी? बेटा तुझे पता नहीं है आजकल बहुत बड़ा बहुत बुरा वायरस चल रहा है, खानदान की नाक कटवाने का वायरस। तुमसे बदला लेने के लिए प्रिया ये सब तो नहीं कर रही है? नो वे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू कभी मेरी बात मानती नहीं और बाद में पछताती। फिर अब क्या करूं? पता कर कि प्रिया का चक्कर किस ड्राइवर के साथ चल रहा है। आने दो आनंद, प्रिया की बच्ची को तुम ना अच्छे से सबक सिखाओ। हाँ बस। अच्छी सुंदर लड़की नहीं दिखी तुम्हें? इतना अच्छा डिजाइनर सूट पहना है और ये मेकअप देखकर दूर से लोग कहते हैं कि देखो देखो दीपिका पादुकोण की छोटी बहन आ गई, वो ओम शांति और हम होम सुमन ओम, और तुम्हें इतने करीब से नहीं दिखे हम। आई एम रियली सॉरी मैम, आई वाज इन अ हरी सो आई हैड टू गो। इंग्लिश मीडियम, आई इंग्लिश नो टू। हाँ बड़ा आया अंग्रेजी में गालियां देने, अगर अंग्रेजी में गालियां देगा ना तो दो चार चपेट मार दूंगी। तुम क्यों मुझे ऐसी वैसी समझते हो? हाँ रे मेरी भतीजी इस बड़ी अस्पताल में इंटरमेशन कर रही है। इंटरमेशन? इंटरमिशन नहीं समझा ना इंग्लिश में, अब हिंदी में सुन। डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करने के बाद डॉक्टर लोग करते हैं ना वो ह्यूमन इंटर्नशिप। शिप मतलब जहाज, ओ बैल बुद्धि वो डॉक्टर है डॉक्टर। आया बड़ा। और हाँ आइंदा कोई सुंदर लड़की को देखकर ऐसे टकराना मत, आंखें खोलकर चलना। तेरी ब्यूटी खराब कर दी। डॉक्टर सांची मिश्रा को बुलाओ, कहो कि बू आई है। जी मैम। सॉरी मैम, इस नाम की कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छे से देख, यही है वो, बुआ हूँ मैं उसकी। मुझे मालूम है कि मेरी भतीजी कहाँ है। आ, नहीं तो I'm sorry ma'am, पर यहाँ पे साची मिश्रा नाम की कोई डॉक्टर नहीं है। हाय रब्बा, ऐसे कैसे नहीं है? फिट्टे मुंह, कहीं तो उसका नाम चढ़ाना भूल तो नहीं गई? हा? मेरी भतीजी डॉक्टर बनने आई है यहाँ पर और तू कह रही है कि उसका नाम तक नहीं है यहाँ पर? I'm really sorry ma'am, मैं आपके कहने पर तीसरी बार चेक कर रही हूँ पर यहाँ पे साची मिश्रा नाम की कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ साची अग्रवाल है। ये लो कर लो बात, मैं कब से मिश्रा मिश्रा किए जा रही हूँ और तू है कि अग्रवाल का टुनटुना बजा रही है। अरे ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रही है?
चश्मा पहन कर देख, सांची मिश्रा ही है। हाँ नहीं तो मैम मैं कह रही हूँ ना, सांची मिश्रा नहीं है, अग्रवाल है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। हद हो गई है, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये तो सांची की बुआ की आवाज लग रही है। आप सब देख क्या रहे हो, काम करो ना, जरा देखो ढूंढो हमारी भतीजी को। तेरी, ये तो सच में सांची की बुआ है। अबे ये कहाँ से टपक पड़ी। मैम मैं कह रही हूँ ना, सांची मिश्रा नहीं है, अग्रवाल है। हो गया। इसकी तो पेजेस ही मिसिंग है। मुझे सब समझ आ रहा है ड्रामा क्वीन, कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, कबीर को मुझसे दूर नहीं कर सकते। I'm sorry, sir. At least ये काम तो ढंग से कर लो, इतना सिंपल काम दिया था, फिर भी गिर पड़ रही हो। साची एक काम ढंग से नहीं कर सकती। हाँ प्रज्ञा बोल। अरे साची लग गई लंका, तेरी बुआ आई है यहाँ रिसेप्शन पे रामलीला की रूपनाका बनके। कसम से कह रहे जल्दी आ जा वरना आज तो मरना तय है। क्या बुआ जी वो यहाँ क्या कर रही है? अभी हमको कहा पता कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हम थोड़े बुलाए उनको। तू दो मिनट रुक, मैं अभी आई। कि दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? कोई है? हेलो, कोई है? दरवाजा खोलो। क्या शौक है ना कबीर की बाहों में रहने का, सड़ो इस रिकॉर्ड को। हेलो। हाँ भाभी जी, आपकी एक लौती नंदन बोल रही हूँ, सुमन। भाभी जी मैं यहाँ सावित्री देवी हॉस्पिटल आई थी सांची से मिलने, तो ये लोग कह रहे हैं कि सांची तो यहाँ था ही नहीं। अब बताओ। नहीं है मतलब? सुमन उनसे कहना कि वो अच्छे से चेक करे। 10 बार पूछ चुकी हूँ, सेम टू सेम जवाब है। अब आप सही सही बताओ कि सांची है कहाँ। आप जो फोन पर वचन सुना रही थी ना कि सावित्री देवी में एडमिशन हो चुका है, तो अब आप बताओ ये वो सब शोबाजी थी ना। सुमन ये तुम क्या कह रही हो, सांची सच में सावित्री देवी हॉस्पिटल में ही है? तो क्या यहाँ के लोगों ने भांग खाई हुई है?
जो इनको किसी को उसका नाम तक नहीं मिल रहा है। इतने दिनों से डोल पीट पीट के कान से खून निकाल दिया, पर ये नहीं हुआ कि आके सच्चाई पता करे। सुमन तुम घर आओ, आराम से बैठ के बातें करते हैं। क्यों क्यों आऊं मैं घर? आप यहाँ पर आओ और आकर सब सच का पता करो। सुमन एक बात बताओ, तुम वहाँ करने क्या गई हो? तुम्हें पहले घर आना चाहिए था, या कम से कम जाने से पहले फोन कर लेती तुम। क्यों? मेरी भतीजी डॉक्टर है और मेरे पैरों में सूजन आई है तो उसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल आई, तो उसमें क्या मैं सबको न्योता दूं? हाँ नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। पर बार बार कुछ नहीं, आप अभी के अभी इधर आओ और देखो कि आपकी बेटी ने क्या रामायण रची है। हाँ नहीं तो हाँ आती हूँ सुन, पर एक बात याद, वो मेरी बेटी की कर्म होगी। जब तक मैं वहां नहीं आऊ तब तक तुम कुछ नहीं करोगी। कर्म भूमि, किसने दरवाजा बंद कर दिया? कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, मैं क्या करूं? हाँ साची, तुम पहुंची नहीं अभी तक। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, एक सेकेंड रुक। हाँ साची। हाँ एक मिनट एक मिनट। हेलो प्रज्ञा, ईशा मैं रिकॉर्ड रूम में लॉक हो गई हूँ यार, प्लीज आके दरवाजा खोलो ना। What? अबे ईशा तुम एक काम करो, तुम जाओ साची के पास और हम जाकर ना इनकी तूफानी बुआ को संभालते हैं, वरना आज तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, कसम से कह रहे हैं। साची लेकिन मैं 5-10 मिनट तक फ्री हो सकती हूँ, फिर भी अपने पेशेंट के साथ हूँ और कोई इंजेक्शन नहीं लगवा रहा। ईशा मुझे पता है तुम्हारा पेशेंट के साथ रहना जरूरी है, मगर किसी को भेजो लेकिन प्लीज जल्दी। ठीक है ओके। देख ले लास्ट चांस दे रही हूँ, बता दे साची मिश्रा यहाँ है कि नहीं। नहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छुपा रही है मुझसे? मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी, अगर वो होती तो मैं जरूर बुलवा देती। ठीक है अब आने दो भाभी को, एक मिनट में सारा ड्रामा खत्म करती हूँ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बुआ जी नमस्ते। बुआ जी आप यहाँ कैसे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटिया मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन इनको देख ये लोग कह रहे हैं कि साची मिश्रा यहाँ है ही नहीं। बुआ जी साची यही है। तुम सच कह रही हो ना प्रज्ञा? अरे बुआ जी अब हम आपसे कहाँ ही झूठ बोलेंगे। साची को दिखा दो और उससे मिल भी लूं, है ना? अच्छा वो नहीं मिली ना तो मैंने भाभी को भी बुला लिया। चलो चलो कोई है प्लीज दरवाजा खोलो। हेलो समझ नहीं आता मैं क्या करूं। बड़ी आई बेटी को सावित्री देवी हॉस्पिटल भेजने वाली, इंसान को हमेशा अपनी औकात देखकर ही बात करनी चाहिए। आने दो अभी भाभी जी को, दिखाती हूं उनकी औकात। ये लो भाभी जी। बताओ भाभी जी ये भी कोई बात हुई? 1000 बार बोल चुकी हूँ कि साक्षी मिश्रा को बुला दो, साक्षी मिश्रा को बुला दो, लेकिन ये लोग एक ही रट लगाए हुए हैं कि यहाँ पर कोई साक्षी मिश्रा है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता सुमन, साक्षी को मैंने खुद यहाँ छोड़ा था। जी आंटी। हाय रब्बा तो क्या हमारी बच्ची को हॉस्पिटल की दीवारें खा गई या फर्श निकल गई? जब प्रज्ञा यहाँ आ गई तो साक्षी क्यों नहीं आई अभी तक? इसलिए क्योंकि साची यहाँ पर है ही नहीं। आप रुकिए मैं साची को खुद ही फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ, फिर आप तसल्ली कर लेना। माँ का फोन, माँ क्यों फोन करी? कहीं माँ भी तो हाँ माँ। हेलो साची कहाँ है तू? माँ हॉस्पिटल में। और कहा? अच्छा तो फिर जल्दी से बाहर आ जा। माँ आप हॉस्पिटल में? हाँ बेटा मैं हॉस्पिटल के बाहर ही हूँ, कुछ काम था। माँ
माँ मैं एक पेशेंट के साथ हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, तू आराम से तेरा काम खत्म करके आ जाना, मैं यही हूँ। हाँ माँ। ओह गॉड क्या करूँ। देखा सुमन, साची अंदर ही है हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ, थोड़ी देर में आ रही है। देखा बुआ, साची थोड़ी देर में आ रही है। अंदर बोल रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है और सांची बोल रही है कि थोड़ी देर में आएगी। बाल में कुछ तो काला है। भाभी जी, जब तक सांची आ रही है तब तक हम लोग हॉस्टल जाकर देख कर आते हैं। देखे तो सही हमारी बच्ची कहाँ रहती है। बुआ जी, हमारे हॉस्टल में ऐसा कुछ अलग नहीं है, मतलब हमारे हॉस्टल भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी हॉस्टल होते हैं, कुछ नया नहीं है। हॉस्टल जाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? अरे हमारी बच्ची जहाँ रहती है उसका रहन सहन देखना जरूरी है। भाभी जी कसम से अब बड़ी लापरवाह अपनी बच्ची के लिए। चलो आओ मेरे साथ देखते हैं हॉस्टल। कोई है? ओपन द डोर। कोई है प्लीज दरवाजा खोलो। तुम वाह, I should have known कि ये घटिया सा प्रैंक तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। कैसे डॉक्टर हो तुम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है या नहीं? हर चीज में सिर्फ मजाक, किसी की सिचुएशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना तुम्हें, हर चीज में सिर्फ प्रैंक प्रैंक प्रैंक। इडियट है। मिस गोलगप्पा आज फूटी क्यों? लेकिन मैंने तो कोई प्रैंक भी नहीं किया। कहीं इस कॉलेज में मेरा कोई डुप्लीकेट तो नहीं घूम रहा जो इस मैडम के मजे ले रहा है? कौन है? कोई है? कोई है? हाँ प्रिया बोल। अच्छा सुन, शाम को घर आ जा, तेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बना है। नो। तुम्हें पता है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड मेरी वीकनेस है, इसलिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो ना घर बुलाने के लिए। ऑफ कोर्स तेरी बहन जो हूँ। अच्छा सुन, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप शाम को घर आ जाना, ठीक है? चल बाय, लव यू। आ जाऊंगा, एंड आई लव यू टू, बाय। हाय रब्बा, ये सब क्या है प्रज्ञा? ये लड़कियों के कॉलेज में लड़के क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर उनको आने से किसी ने रोका क्यों नहीं? बुआ जी, हमारा हॉस्टल ना कोएड है। हाँ मैं समझ गई, भाभी जी नहीं समझे, हिंदी में बता। बुआ जी कोएड मतलब कि लड़के लड़कियां सब एक साथ ही रहते हैं। क्या एक साथ? भाभी जी ये कैसी वाहियात जगह भेज दिया आपने अपनी बेटी को, क्या शर्म न लिहाज? हम तो शादी के बाद अपने पति के साथ एक कमरे में रहने में चार बार शर्माते हैं और यहाँ पर देखो सब खुल्लम खुल्ला। प्रज्ञा ये सब क्या है बेटा, तुम लोगों ने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वो आंटी जी बुआ जी इसमें बताना क्या मतलब, हमको भी यही आके ही पता चला कि सब एक साथ रहते हैं, पर आंटी जी सिर्फ बिल्डिंग एक है, हम सबके कमरे अलग अलग है। हाँ लेकिन बात तो वही हुई ना, इन अस्पताल वालों की ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पढ़ाई के नाम पर बेशर्मी मचा रखी है। है अभी सीधा करती हूँ सबको। बुआ जी सुनिए तो। हेलो मैडम जी, है? ये क्या बदतमीजी है, दिमाग खराब हो गया क्या आप लोगों का? ऐसे लड़के और लड़कियों को कोई एक साथ रखता है? अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्लीज काम डाउन एंड स्टॉप शाउटिंग, एंड सेकंडली दे आर अडल्ट इनफ टू सेव लाइव्स, therefore they need to understand things on their own and not spoon fed. kya ye adult tunnel kya hai? ha yahan par adult wale picture dikhai jati hai kya? hai hai bada besharma wala mahol hai, kasam se aapne to apni beti ko yahan par rakh kar uski zindagi barbaad kar di hai. ek minute suman, aisa kuch bhi nahi jaisa tum soch rahi ho. haan is hostel mein ladke ladkiyan ek hi building mein rehti hai lekin sabke kamre alag alag hai. जल्दी हॉस्टल आ, तेरी बुआ ने अपनी पहल बुद्धि लगा के बवंडर मचा रखा है। प्रज्ञा जी, बुआ जी तुम लोगों का कमरा नंबर कौन सा है बताओ जरा। कमरा नंबर 122। बुआ जी हमको अभी तो एक ही दिन हुआ है ना,
तो हमको अपना कमरा नंबर याद नहीं आ रहा है, कहा था 23 नहीं है। डॉक्टर बनने चलिए और अपने कमरे का नंबर तक नहीं पता। चल हट हट परे, मैं देखती हूँ। भाई बड़ी ये देखो भाभी जी, हर कमरे के बाहर नाम लिखा है, सांची का नाम भी ढूंढ ही लेंगे। अमन, रुचि का, रिश्तेदारों को तो जहर का इंजेक्शन देके मार देना चाहिए। मम्मी जैसे जान खा गई हमारी। हितेश, हितेश, हाँ, प्रज्ञा यादव। ओ प्रज्ञा, देखो तुम्हारा कमरा, अब भूलना मत है बेटा जी। और ये सांची, क्या बात है सुमन, चुप क्यों हो गई? भाभी जी, यहाँ पर तो सांची अग्रवाल लिखा है, सांची मिश्रा तो है ही नहीं। आंटी जी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक था बुआ जी। वो गलती से मिश्रा की जगह अग्रवाल छप गया जी। बुआ जी प्रणाम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, खुश रहे खुश रहे। ईशा, मैं तुम लोगों की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी, मैं खुद देखूंगी। लगता है कि पूरे हॉस्पिटल के प्रिंटर से ही गलती हो गई है। देखो जो गले में ये फोटो है ना, उसने भी सांची अग्रवाल ही लिखा है। बुआ जी, अब एक जगह गलत छप जाएगा तो बाकी सब जगह गलत ही होगा ना। आप टेंशन मत लीजिए, हमने नाम चेंज करने के लिए कह दिया है, कुछ दिनों में सही हो जाएगा। और हर चीज का कोई प्रोसेस होता है बुआ जी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। साची, तुझे इस डॉक्टर कोट में देख के मन हल्का हो गया। सच्ची बेटा, आज अगर मौत भी आ जाए ना तो कोई मलाल नहीं होगा। माँ प्लीज ऐसी बातें मत किया कर। हाँ हाँ, पर तू भी मेरी बात याद रखना, लड़कों से दूर रहना और पढ़ाई में, और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखना। हाँ माँ। अब चले सुमन। अरे सुमन, तुम कह रही थी तुम्हारे पैरों में सूजन है ना, इन तीनों को दिखाओ ना। अरे हाँ बुआ जी, एक बड़ा सा इंजेक्शन घुट देते हैं। ले अपना पैर दीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं इतना चली हूँ ना कि सारी सूजन और सारा दर्द गायब। चलो भाभी जी घर चलिए, भाभी जी जल्दी चलिए घर चलते हैं। और हाँ सची, तुम्हारा नाम बदलवाना मत भूलना, तुम्हारा नाम ही तुम्हारी पहचान, इसे गलत मत होने देना। हे भगवान, बाल बाल बच गए आज तो। चलो गोलगप्पे खाते हैं। ओ गॉड, यू एंड योर गोलगप्पे। उस वीर ने तुम्हें सही नाम दिया है, मिस गोलगप्पा। ईशा, अच्छा अब चलें। चलो। अरे अरे आराम से खा, कहीं भागा नहीं जा रहा ये। मुझे पता है ये कहीं नहीं भागा जा रहा, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और तेरे हाथों का कस्टर्ड,
माइंड ब्लोइंग है। क्या करूं यार, कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। पागल है ना तू? तेरा भाई हूं मैं। सुन, आज कौन सा नया तूफान आने वाला है? यह लाइकाइक है, लेकिन हम मजे तो ले ही सकते हैं, है ना? मिसेस मल्होत्रा, क्या हुआ, आज आपने खाना ज्यादा खा लिया? I wish मैं ऐसा कर सकता, but sadly, my career is more important than you. True. जितना हंसना है हंस लो प्रिया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं निकलता हूं। इतना अच्छा कस्टर्ड खाने के बाद मुझे अपने मुंह का स्वाद और अपना मूड दोनों खराब नहीं करना। सुनिए, मुझे प्रिया के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। क्यों, क्या हुआ? कैसे कहूं, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। गायत्री, कम ऑन, जो बात है साफ साफ कहो। प्रिया का किसी के साथ अफेयर है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.